हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे। आज हम आपको क्रिया पढ़ाएंगे, क्रिया पर परिचय, जिसको क्रिया को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। बच्चों, क्रिया का मतलब क्या होता है? काम, कोई भी काम, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, चलना, हंसना, ये सब क्या है? क्रिया है। और संस्कृत में जैसे पढ़ना पठति, लिखना लिखति, खेलना क्रीडति, दौड़ना धावति, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। और धातु क्या है? धातु होता है जो क्रिया का मूल रूप होता है। तो इस वीडियो में हम आपको क्रिया सीख, जो क्रिया से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप हम सिखाएंगे, और किस प्रकार से क्रिया से हम वाक्य में प्रयोग करते हैं वो भी आपको हम सिखाएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए और वाक्य में प्रयोग करने के लिए आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ बच्चों हम लिखे हैं धातु, अर्थ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। धातु क्या है? पठ। और उसका क्रिया क्या हो जाएगा? पठति, यानी क्रिया का जो मूल रूप है वही धातु होता है। तो पठ मतलब उसका अर्थ क्या होता है? पढ़ना। पठ मतलब पढ़ना। लिख मतलब लिखना। पीप मतलब पीना। क्रीड मतलब खेलना। धाव मतलब दौड़ना। पद मतलब गिरना। खाद मतलब खाना। और नम मतलब नमस्कार करना। नमस्कार करना। अब इसको हम, जैसे ये पट जो धातु है उसको हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम बनाएंगे लट लकार, यानी वर्तमान काल। संस्कृत में लट लकार, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। वर्तमान काल मतलब जो समय अभी चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? वर्तमान काल, जिसको संस्कृत में हम लट लकार बोलते हैं। पठ, पठ से क्या क्या बनेगा? एक वचन में पठति, पठति, द्विवचन में पठत और बहुवचन में पठन्ति। यानी आप इतना याद कर लीजिएगा, लट लकार में ती ता अंत, ये प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष जिसमें दूसरे के बारे में हम बोलते हैं। अब लिख, लिख का क्या होगा? एक वचन, लिखती, लिखता, लिखंती, लिखंती, ये पठ धातु का आपका प्रथम पुरुष है। नेक्स्ट देखिए इसी का रूप, जैसे हम लिख रहे हैं पठती पठता पठंती, लिखती लिखता लिखंती, उसी तरह इसका रूप बदले जाएगा। पीप का हो जाएगा पीबती, पीबता, पीबंती। नेक्स्ट क्रीड से बनेगा क्रीडती, क्रीडता, क्रीडंती। धाव से क्या बनेगा? धावती, एक वचन में धावती, एक दौड़ता है, धावता, दो दौड़ते हैं, धावंती, बहुत से दौड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए पद, पतति, पतत, पतंती। नेक्स्ट देखिए खाद, खाद से एक वचन में क्या बनेगा? खादती,
आदत आदंती और लास्ट देखिए नाम, नाम से क्या होगा एक वचन में नमति नमत नमंती, यानी ये सब क्या है, ये क्रियापद है, सारा ये सब क्रिया है, काम है। तो पट से एक वचन में बना पठति एक पढ़ता है, द्विवचन में पठता दो पढ़ते हैं और बहुवचन में पठंती बहुत से पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए लिख, लिखती एक पढ़ता है, लिखता दो पढ़ते हैं और लिखती बहुत से पढ़ते हैं। पी एक वचन में पीवती एक पीता है, पीवता दो पीते हैं और पीवंती बहुत से पीते हैं। क्रीड क्रीडती एक वचन में है इसलिए खेलता है, द्विवचन में क्रीडता खेलते हैं दो खेलते हैं और बहुवचन में क्रीडंती मतलब बहुत से खेलते हैं। नेक्स्ट देखिए धाव एक वचन में धावती दौड़ता है एक दौड़ता है, द्विवचन में धावता दो दौड़ते हैं और बहुवचन में धावंती बहुत से दौड़ते हैं। पत एक वचन में पतती एक गिरता है, द्विवचन में पतता दो गिरते हैं और बहुवचन में पतंती बहुत से गिरते हैं। नेक्स्ट देखिए खा एक वचन में खादती एक खाता है, द्विवचन में खादता दो खाते हैं और बहुवचन में खादंती बहुत से खाते हैं। और नेक्स्ट देखिए नम नमति एक वचन में नमस्कार करता है, एक नमस्कार करता है, द्विवचन में नमता दो नमस्कार करते हैं और बहुवचन में नमंती बहुत से नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से हम एक वचन द्विवचन और बहुवचन में लट लकार का प्रथम पुरुष में इस तरह से हम क्रियापद को बनाते हैं। तो बच्चों चलिए आइए आपको हम क्रियापद से बाकी में प्रयोग हम सिखाएंगे। अब बच्चों आइए आपको हम कुछ क्रिया शब्दों से वाक्यों का प्रयोग करके हम आपको सिखाते हैं। तीनों वचनों में पुल्लिंग शब्द में तीनों वचनों में हम किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करते हैं, इस संस्कृत से हम आपको हिंदी सिखाते हैं। यहाँ देखिए एक वचन में है छात्र पठति, यानी एक छात्र पढ़ता है, एक छात्र पढ़ता है। यहाँ एक वचन है इसलिए यहाँ छात्र पुल्लिंग शब्द में एक वचन में छात्र एक छात्र पढ़ति पढ़ता है। छात्रों यहाँ द्विवचन आ गया छात्र पठत, दो छात्र पढ़ते हैं, दो छात्र पढ़ते हैं, ये द्विवचन है इसलिए छात्रों पठता दो छात्र पढ़ते हैं। और बहुवचन में देखिए छात्रा पठंती बहुत से छात्र, बहुत से छात्र पढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जब एक वचन रहेगा तो है में बिंदु नहीं लगेगा, अनुस्वार का प्रयोग एक वचन में नहीं होता है, लेकिन द्विवचन जहाँ द्विवचन रहेगा और बहुवचन रहेगा वहाँ पर है में अनुस्वार लगेगा, इसका उच्चारण होगा है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, दो छात्र पढ़ते हैं, बहुत से छात्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए एषा पठति, बच्चों इसके आगे जो हम वीडियो बनाए हैं उसमें हम यहाँ एषा श एतौ तौ सारा चीज़ का वीडियो हम बना चुके हैं, आप मेरा चैनल में देखिएगा तो आपको सारा संस्कृत ग्रामर का पाठ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एषा मतलब क्या होता है, यह
और पठति पढ़ता है या पढ़ता है। एतौ एतौ पठता, ये दोनों पढ़ते हैं, ये दोनों पढ़ते हैं, मैंने अनुस्वार। एते पठन्ति, ये सब पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं, मैंने अनुस्वार। अब नेक्स्ट देखिए, श पठति, श पठति का मतलब यहाँ पर ए, जहाँ पर ए लगता है एशा, वहाँ पर या होता है, यानी दिश का प्रयोग होता है। और जहाँ ए हटता है खाली श लगता है, मधन श का जगह दंत स लगेगा, जहाँ खाली श होता है वह हो जाता है वह। श पठति, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, एक वचन में है इसलिए श वह पढ़ता है। तो पठता, वेदों वेदों पढ़ते हैं, अनुस्वार। यहाँ देखिए बच्चों, एतौ एतौ मतलब ये दोनों, और यहाँ पर देखिए ए हट गया, तौ आ गया, तो हो गया वे दो पढ़ते हैं। ते पठन्ति, यहाँ पर एते क्या था, ये शब्द, अब यहाँ पर ए हट गया है, ते है, तो क्या होगा, ये सब क्या हो जाएगा, वे शब्द, वे शब्द, ते मतलब वे सब पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अब चाहिए आपको हम स्त्रीलिंग में क्रियापदों से वाक्य में प्रयोग हम सिखाते हैं। अब चाहिए आपको हम स्त्रीलिंग में सिखाएंगे किस तरह से हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम क्रिया से देखिए वाक्य में प्रयोग करते हैं। अजा खादती, अजा खादती मतलब एक बकरी खाती है, एक बकरी खाती है, एक बकरी खाती है, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द में एक वचन में है, अजा का मतलब बकरी और एक वचन में है अजा, इसलिए एक बकरी, स्त्रीलिंग में अजा मतलब एक बकरी, जैसे बालिका बालिके बालिका, यहाँ अजा, ठीक है, एक वचन में दिया है इसीलिए एक अजा मतलब एक बकरी। इसी तरह यहाँ बालिका अगर होता तो एक लड़की, बालिके अगर रहता तो दो लड़कियाँ, और बालिका होता तो बहुत सी लड़कियाँ। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में शब्द में इस प्रकार से एक वचन में आ की मात्रा और द्विवचन में ए की मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा और विसर्ग लगता है। तो यहाँ पर अजा खादती का मतलब हो गया एक बकरी खाती है, अजे खादता दो बकरी, दो बकरियाँ खाती हैं, है बिंदु, अजा खादंती बहुत सी बकरियां खाती हैं, बहुत सी बकरियां खाती हैं। नेक्स्ट देखिए, ऐसा खादंती, ऐसा मतलब क्या होता है, यह, जैसे पुल्लिंग सब में अभी हम पढ़े थे कि एशा एशा शामी विसर्ग रहेगा, तो पुल्लिंग में एक वचन में पुल्लिंग में होगा एशा और स्त्रीलिंग में होगा एशा, एशा मतलब या, और खादती या खाती है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए हम खाता है नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए या खाती है। एते खादता, ये दो खाती है,
हाथी हैं विषम द्विवचन में और एका खादंती मतलब ये सब हाथी हैं में अनुष्ठा। अब नेक्स्ट देखिए सा खादंती, यहाँ पर एशा था तो ए रहने से क्या होगा या, और जब ए हट जाएगा खाली शा होगा, मध्यम श का जगह हम दंसा दे देंगे लेकिन ए हटा देंगे, तब क्या हो जाएगा वह सा खादती मतलब वह हाथी है, वह हाथी है। द्विवचन में देखिए ते, यहाँ पर ए ते था, अब हम ये ए को हटा के यहाँ पर खाली ते लिखे हैं तो क्या हो जाएगा ये दो का जगह क्या हो जाएगा वे दो, वे दो खाती हैं, खाती हैं। और यहाँ पर देखिए एता यानी ये सब था, अब हम ए को हटाएंगे खाली ता लिखे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये सब है और जब ए हट जाएगा तब हो जाएगा वेशव, वेशव खाती है, खाती है मैंने अनुष्ठा। तो देखिए बच्चों स्त्रीलिंग में एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं या और वाक्य के लिए। तो आइए अब हम आपको नपुंसक लिंग में आपको हम सिखाते हैं। अब बच्चों आइए आपको नेक्स्ट हम नपुंसक लिंग में हम सिखाएंगे एक वचन द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार हम क्रिया से वाक्य में प्रयोग करते हैं। फलम पतति एक वचन में है यानी एक फल गिरता है, एक फल गिरता है। नेक्स्ट देखिए द्विवचन में फले पतता दो फल, द्विवचन में है इसलिए दो फल गिरते हैं, गिरते हैं। और फलानी पतंती यानी बहुवचन में है तो बहुत से फल गिरते हैं, बहुत से फल गिरते हैं। नेक्स्ट देखिए एतत् पतति, यहाँ पर ए है एतत् यानी या गिरता है, एते पतता ये दो गिरते हैं, ये दो गिरते हैं। द्विवचन और बहुवचन में है में अनुस्वार लगेगा, एक वचन में है में अनुस्वार नहीं लगता है। एतानी पतंती ये सब गिरते हैं, ये सब गिरते हैं अनुस्वार। तत् पतति जिस प्रकार हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जब हम ए हटा दिए थे तो वा में आ गया था, ठीक उसी प्रकार बच्चों नपुंसक लिंग में भी वैसे ही होगा। यहाँ पर देखिए एतत् इसलिए ये या था यानी तीस के लिए, अब हम ए हटा देंगे खाली तत् होगा तो हो जाएगा वा दैट के लिए। तत् पतति वा गिरता है, वह गिरता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एते एते था इसलिए यहाँ पर हुआ था ये दो, अब हम ए को हटा देते हैं केवल ते यानी ये हो जाएगा वे दो गिरते हैं। ते पतता वे दो गिरते हैं। नेक्स्ट देखिए एतानी, एतानी में क्या था ये सब, अब हम ए हटा रहे हैं तानी तो क्या हो जाएगा बेशक गिरते हैं, बेशक गिरते हैं। तो ये नपुंसक लिंग में हम एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। अब बच्चों ये आपको हम नेक्स्ट सिखाएंगे कि
सर्वनाम से हम किस प्रकार से क्रियापद में वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब बच्चों ये आपको हम सर्वनाम शब्द युष्मत् का मध्यम पुरुष में हम सिखाएंगे। अभी हम पहले हम सीखे थे प्रथम पुरुष में, दूसरे के विषय में जब हम बोलते हैं पिता अंति, अब हम मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं शी थ थ, एक वचन में सी, द्विवचन में थ और बहुवचन में थ। तो देखिए यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करते हैं, इसका अनुवाद करते हैं, त्वं गच्छसि, तुम, त्वं मतलब तुम, गच्छसि जाते हो, तुम जाते हो। जब मध्यम पुरुष का एक वचन होगा त्वं के साथ क्या लगता है शी, त्वं गच्छसि तुम जाते हो, युवाम द्विवचन में युवाम, तुम दो, तुम दोनों, तुम दोनों जाते हो, गच्छथ तुम दोनों जाते हो। ये द्विवचन में जब मध्यम पुरुष का द्विवचन होगा तब वो हो जाएगा थ, और बहुवचन में लगेगा खाली थ बिना विषय का, यूयम गच्छत, ये गच्छत था और ये हो गया गच्छत। यूयम मतलब तुम सब, तुम सब जाते हो। आप नेक्स्ट देखिए त्वं क्रीडसि, ये स्त्रीलिंग शब्द में दिया है, तुम, त्वं मतलब तुम खेलती हो, तुम खेलती हो, युवाम क्रीडथ तुम दोनों खेलती हो, तुम दोनों खेलती हो। यूयम, यूयम मतलब तुम सब क्रीडत, तुम सब खेलती हो, तुम सब खेलती हो। यानी जब हम प्रथम पुरुष पढ़ाए थे आपको तब क्या था, ती ता अंति, एक वचन में ती, द्विवचन में ता और बहुवचन में अंति, और जब अब हम मध्यम पुरुष पढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा शी था था, यानी एक वचन में शी, द्विवचन में था और बहुवचन में था। अब हम आपको उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष पढ़ लिए, मध्यम पुरुष पढ़ लिए, अब हम लास्ट में आपको उत्तम पुरुष पढ़ाएंगे। अब बच्चों देखिए हम सर्वनाम शब्द अस्मत् का उत्तम पुरुष में हम आपको पढ़ाते हैं। उत्तम पुरुष में जब हम अपने बारे में बोलते हैं यानी फर्स्ट पर्सन, उसमें हम किस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में देखिए किस प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। अहम करशामि, इसमें आमी, आवा और आमा का प्रयोग होता है, एक वचन में आमी, द्विवचन में आवा और बहुवचन में आमा का प्रयोग होता है। अहम करशामि, अहम मतलब मैं, करशामि जोता हूँ, मैं जोतता हूँ, आवाम हम दो, हम दोनों, करशामा करशावा हम दोनों जोतते हैं, वयम करशामा हम सब, वयम मतलब हम सब, हम सब जोतते हैं, में अनुस्वार द्विवचन और बहुवचन में अनुस्वार है में लगता है। अहम पचामि, अहम मतलब मैं पचामि मतलब पकाती हूँ, पकाना, अहम पचामि मैं पकाती हूँ, आवाम, आवाम मतलब हम दोनों, पचावा हम दोनों पकाते हैं,
पाते हैं। वयम पचामा, वयम मतलब हम सब पकाते हैं, हम सब पकाते हैं। तो बच्चों उत्तम पुरुष में देखिए एक वचन में मी लगता है, दी वचन में वह और बहुवचन में म, इस प्रकार से हम उत्तम पुरुष में प्रयोग करते हैं। जब अकेले एक वचन रहेगा तो मी लगेगा, दी वचन में व लगेगा और बहुवचन में म लगेगा। तो आप इस प्रकार से याद कीजिएगा, आमी आवा आमा। ती ता अंति छी था था आमी आवा आमा, इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। तो बच्चों अगर आपको क्रिया समझ में आया और क्रिया से जो हम वाक्य में प्रयोग किए और संस्कृत से आपको हम सिखाएं किस प्रकार से हिंदी अनुवाद करते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मेरा मिलते रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।